तो मैं अब झट से बना देती हूँ राव जी के लिए नाश्ता, और कैंटीन जाना है हम लोगों ने 9 बजे, तो मैं जल्दी जल्दी से अपने काम निपटाती हूँ, नहाना धोना नाश्ता, पहले नाश्ता बना देती हूँ फिर नहाऊंगी, है ना। तो यहाँ पे राव जी के लिए भी मैंने नाश्ता लगा दिया है, अभी दूध गर्म हो रहा है। तो दोस्तों मेरा नहाना धोना भी हो गया है, टाइम 8 बज गया है, और अभी हम झट से करते हैं नाश्ता। उसके बाद अभी हमने वीडियो भी वो नहीं किया है, क्या नाम है, एडिट नहीं किया है, झट से वीडियो एडिट करना है, उसका एक काम और है, फिर मुझे अपनी पॉलिसी वो करनी है, जमा करनी है, झट से वो काम भी निपटाते हैं तो तैयार होते हैं, तुरंत निकलते हैं हम उसके लिए कैंटीन के लिए। चलो दोस्तों आप लोग बने रहना हमारे साथ में, थोड़ा हम लोग कर लेते हैं नाश्ता। हम लोग निकलते हैं अब कैंटीन के लिए, मैंने बड़ा सा बैग भी टांग दिया है, आधे तक मुझे ना रावत जी छोड़ेंगे, तो अभी टाइम हो रहा है 8:45, तो मैंने कहा चलो फिर झट से आप मुझे आधे तक छोड़ दो, है ना, तो आधे रास्ते में मुझे मेरी फ्रेंड मिल जाएगी। रोड क्रॉस करके आ गया है गोलू, फिर से आ गया, देखो अपने खजान, अपने खजान, देखो रुक चल रे बाबा, हैं अच्छा एक मैच कैंटीन, अच्छा ये अच्छा ठीक 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 चल मैसेज। तो चलो दोस्तों हम लोग भी कैंटीन पहुंचने वाले हैं, बोला अभी कैंटीन खुली नहीं है, थोड़ी देर आराम करेंगे हम, वहाँ आराम करना। तो यहाँ पे ना ये बैग के लिए लाइन लगी हुई है, और भीड़ भी है अच्छी खासी, बैग सबने नीचे लगा रखे हैं अपने लाइन लाइन से। चलो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं घर पे, मैं अपने घर पे पहुँच चुके, फ्रेंड भी पहुँच गई होगी अपने घर पे। आए रहा सामान कुछ था नहीं इतना, खाली हो रखी थी कैंटीन, छोटी सी कैंटीन, मैंने कैंटीन के अंदर का वीडियो नहीं बनाया, मैंने कहा पता चला डांटेंगे मुझे, वैसे अच्छा भी नहीं लगता है ना आर्मी एरिया का ऐसे वीडियो बनाना, तो मैं कर लेती हूँ अपने काम, है ना, टाइम भी ना 10 बज गया है। तो चलो दोस्तों आप लोग बने रहना हमारे साथ में। तो दोस्तों आधा सा काम मेरा निपट चुका है, मीन्स मैंने कपड़े मशीन में डाल रखे हैं कपड़े, क्योंकि ज़्यादा थे, जब ज़्यादा कपड़े होते हैं ना तो मैं मशीन लगा देती हूँ, मतलब ज़्यादा क्या, वैसे मैं अक्सर कपड़े हाथ से ही धोती हूँ, लेकिन जब राव जी की जीन्स वगैरह होती है ना तो मैं वो धो नहीं पाती हाथ से, तो इसलिए मैं उनके लिए मशीन लगाती हूँ। किचन की सफाई हो गई है, बर्तन धुल दिए हैं, झाड़ू हो गया है, दूध रख दिया मैंने गर्म करने, तो बाकी बचा अभी मेरा पोछा करना और कपड़े सुखाने, और आज कैंटीन गई थी तो कैंटीन में आज सामान था नहीं, मैं सामान लेके तो आई हूँ लेकिन उस सामान की अभी मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी, और जिस सामान की मैंने मुझे ज़रूरत थी वो सामान अभी कैंटीन में था नहीं। कोई ने पिछली बार का क्या किया था, मैंने पिछली बार मैंने भी ऐसे ही मंगा दिया था सामान कैंटीन का, तो इस बार मैंने कहा चलो मैं देख के आती हूँ यहाँ की कैंटीन, और तो मैं अभी कर लेती हूँ पोछा और क्या नाम है कपड़े सुखा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो मैं यहाँ पे इतना सारा सामान लेके आई कैंटीन से, कैंटीन में था ही नहीं सामान जो मुझे चाहिए था, ये मैं सीरम लेके आई अपने बालों के लिए, और इस बार मैं ये लक्स का बॉडी वॉश लेके आई, मैंने कहा देखती हूँ कैसे हैं, मुझे मेन ज़रूरत थी घी की, घी फिनिश हो गया था मेरे घर पे, और तेल की ये वाले बालों वाला, और ये मस्टर्ड ऑयल थोड़ा वहाँ पे महंगा है कैंटीन में,
लेकिन बोलते हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो मैंने कहा चलो देखते हैं इस बार, अगर अच्छा लगा तो अगली बार से फिर यही लेंगे। बस जी, तो मैं ये अभी थैले में रख देती हूँ। तो दोस्तों काम वाम मेरा सारा निपट चुका है, कपड़े भी ज़्यादा हो गए थे धोने के लिए, तो मैंने दो बार मशीन चलाई थी और कपड़े सुखा दिए हैं, पोछा कर दिया है। और टाइम भी ना अब 2:30 बज गया है, बस बच्चे आने वाले हैं, बच्चों का वेट हो रहा है। तो चलो दोस्तों आप लोग बने रहना हमारे साथ में, मिलती हूँ मैं भी आप लोगों से थोड़ी देर में। आज का दिन है, अरे वाह लड्डू। तो फ्लाइट टिकट कुछ अलग होती थी लड्डू, अरे मेरी बच्ची आ गई मेरे लड्डू। मम्मी आने ने रेस पे चीटिंग कर दी। ओए गई तेरी बोतल नीचे टूटी हो मम्मा, लेकिन फिर भी मैं ही जीता थी, क्या चीटिंग करी। बोतल के अस्त्र पस्त्र अलग अलग कर दिए तूने, देख पूरा पानी भी गिरा दिया इधर। कैसे बैग रखती है मम्मा, इतना सारा पानी गिरा दिया। वही तो, पिया तो है नहीं उसने पानी। मम्मा अन्या ने नहीं खाया। क्या चीज? टिफिन। क्यों? पेट दर्द हो रहा है, तो फिर मैंने कहा कि मम्मा तेरा रोज पेट दर्द होता है टिफिन के लिए, फिर कुछ बोली नहीं टिफिन खाने के लिए। क्यों बाबू? बिल्कुल भी नहीं खाए। ये खेलना तो घर पे छोड़ दे, काम आती है प्लीज रख दो, काम आती है वो स्केल। क्या बोल रही हो? मेरा भाई तो बिस्किट कैंटीन से वहाँ कहाँ से? आपने बोलती कि आप बिस्किट लेकर आए, अभी तो वो लेकर आए। कहाँ से? अरे आपको पता है ना अम्मा, अभी आपके पेट में दर्द है, मैं कुछ भी नहीं लेके आई। हम नहीं लेके आए, आप आराम करो, आप आराम करो। बिस्किट वाला पेट दर्द हो रहा है उसका, लेके आई हूँ। मम्मी ने टैक्सन डीसी का पैकेट है। अच्छा नहीं लगता। आप बुल्ली को चिड़ा चिड़ा के क्यों खा रहे हो? मुझे भी तो बुल्ली का पेट दर्द है, अभी लेट नहीं दी। मुझे भी तो हमें ये ना ओरो से बहुत अच्छा है इसका टेस्ट। मुझे भी, हे भगवान उसका पेट दर्द है। देखो नहीं खा रहा उसने, आपके साइड को पीट कर रखी है। देखो आप इधर को मत देखो ना, भैया को क्यों देख रही हो?